और बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बिहार को लेकर गृह मंत्री के आवास पे बड़ी बैठक है। अमित शाह के आवास पे जेपी नड्डा पहुंचे हैं और चिराग पासवान भी बैठक में मौजूद हैं। आज ही नीतीश कुमार को समर्थन पत्र देगी भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि बिहार में सियासी घटनाक्रम हर पल करवट ले रहा है और अब पटना से लेकर दिल्ली तक में बैठकों का दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है। चिराग पासवान भी इस बैठक में मौजूद हैं और आज ही नीतीश कुमार को समर्थन पत्र देगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। बिहार की राजनीति में हर पल नया अपडेट आ रहा है, सियासी हलचल तेज हो चुकी है और बिहार को लेकर ही गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में जेपी नड्डा भी हैं, चिराग पासवान भी पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक है जिसमें चिराग पासवान भी मौजूद है। और पीयूष हमारे साथ दिल्ली से, हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो चुकी है, बैठक चल रही है गृह मंत्री के आवास पे, इसे लेके क्या जानकारी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के ठीक आवास के बाहर ही हम मौजूद हैं और हलचल आपको दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे और इसी आवास के अंदर जो बैठक है वो चल रही है। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चिराग पासवान की भी मौजूदगी है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, इस बीच जिस तरीके से चिराग पासवान का वो स्टेटमेंट आता है और कहते हैं कि हम एनडीए के चूंकि सहयोगी दल हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं हम कोई फैसला लेंगे, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान से बातचीत हो रही है और ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ जाती है तो क्या चिराग पासवान का उसमें रोल रहने वाला है, किस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसको लेकर एक यहाँ पे रणनीति भी कहीं ना कहीं बनाई जा रही है, बातचीत की जा रही है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी वक्त जो समर्थन पत्र है वो दे सकती है, यानी कि नीतीश कुमार के साथ पूरी तरीके से आधिकारिक रूप से जा सकती है। हालांकि इसमें भी अभी वक्त है, क्योंकि बिहार की भी अगर हम बात करें तो बिहार में दो खेमा बटा हुआ है। पहले खेमे की अगर हम बात करें बीजेपी की, तो पहला खेमा कह रहा है कि नीतीश कुमार बार बार होगा चुनाव में विधानसभा के, लोकसभा के बाद जो चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले लोकसभा के जब चुनाव होंगे तब कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी की यही पूरी कोशिश है और आपने बयान भी तमाम नेताओं के सुने होंगे, सुशील मोदी, कुमार मोदी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दरवाजे किसी के लिए भी बंद नहीं होते हैं और अगर दरवाजे बंद होते हैं तो वो दरवाजे खुलते भी हैं। चूंकि एक वक्त में गृहमंत्री अमित शाह का इस तरीके का बयान आया था, उसे जोड़कर कहीं ना कहीं ऐसे सवाल सुशील कुमार मोदी से पूछे गए थे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजा लगभग खोल दिया है नीतीश कुमार के लिए। अब पूरी तरीके से ये रणनीति बनाई जा रही है कि जो लोग नीतीश कुमार के समर्थक नहीं रहे हैं एनडीए में खासतौर पे, या जो लोग नहीं चाहते हैं अभी भी इस स्टेज पर भी कि हम नीतीश कुमार के साथ जाएं, उनसे किस तरीके से बातचीत की जाए, और जो लोग समर्थन नहीं देना चाहते हैं या नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं, उनको क्या कुछ कहा जाए और उनकी बातें क्या है, उनकी मांगे क्या है, वो क्या सोचते हैं नीतीश कुमार को लेकर, तो एक जो साझा रणनीति है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी निर्णय पर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं चाहे वो पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे वो किसी पद पर व्यक्ति हो, उससे कहीं ना कहीं राय मशवरा करती है, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला लेती है। और ऐसे में ये तो पूरी तरीके से सत्ता पलटने का फैसला है एक तरीके से, और एनडीए अगर नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं तो वहाँ पे एनडीए की सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में चिराग पासवान को भी नाराज भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है, क्योंकि चिराग पासवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको जिनके बयान को आपने कई बार सुना होगा। चिराग पासवान ने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री हमारे राम है और मैं उनका हनुमान हूँ, और कई मौकों पर प्रधानमंत्री का आशीर्वाद भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मिला है। ऐसे में चिराग पासवान की क्या कुछ मांगे हैं, चिराग पासवान क्या सोचते हैं नीतीश कुमार को लेकर, और चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार के साथ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि कल चिराग पासवान अचानक से दिल्ली आते हैं और
चिराग पासवान ये कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे एनडीए के सहयोगी जो हैं, चाहे जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा, उसके बाद मैं अपना कोई बयान दूंगा। हाँ। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर चल रही है और यही वो हलचल है। तमाम जो नेता है उनकी मौजूदगी इस आवास के अंदर है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रणनीति बनाई जाएगी। और अगर चिराग पासवान मान जाते हैं या नहीं भी मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किस तरीके का फैसला लेने वाला है, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, नीतीश कुमार के लिए भी, और ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए भी। तो आज कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और बिहार में भी एक महत्वपूर्ण बैठक। मैं लौटता हूँ आपके पास पटना से। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, दिल्ली में तो हलचल तेज है, लेकिन अगर बात पटना की करें तो वहां किस तरह की हलचल है, क्योंकि बैठकों का दौर तो लगातार जारी है। मनोज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मेरी आवाज अभी शायद मनोज तक नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से कोशिश करेंगे उन तक आवाज पहुंचे और विस्तार से जानेंगे बिहार में किस तरह की हलचल है। लेकिन पीयूष, आप बता रहे थे कि बिहार को लेकर ही दिल्ली में किस तरह का अभी चूंकि बैठकों का दौर है, लेकिन अब ये लगभग तस्वीर साफ है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही अब जल्द ही मुख्यमंत्री की शपथ दोबारा लेंगे, या अभी कोई और समझौता है, या बीजेपी जो है वो अपना कुछ फॉर्मूला आगे रख रही है, या नीतीश को ही आगे रख के आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ आते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी का इसका फायदा होगा। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी के अंदर भी दो खेमा अभी भी फिलहाल भी बटा हुआ है, इस स्टेज पर भी, यानी कि इस वक्त भी बटा हुआ है, क्योंकि लगातार यही कहना है कि नीतीश कुमार कई बार पलट चुके हैं और अगर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद पलटते हैं, यानी कि जब बिहार के विधानसभा के चुनाव होंगे तब पलटते हैं, तो क्या बीजेपी का ये फैसला बेहतर है या नहीं है अगर नीतीश कुमार के साथ एनडीए जाना चाहती है तो। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि अगर एनडीए नहीं जाती है नीतीश कुमार के साथ या बीजेपी नहीं जाती है नीतीश कुमार के साथ, तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत जो नुकसान है वो बिहार में बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार आएंगे तो अपने साथ अपना जो वोट बैंक है वो भी लेकर बीजेपी के साथ आएंगे और बीजेपी के साथ अगर वोट बैंक जुड़ेगा तो जो 400 प्लस का नारा बीजेपी ने इस बार दिया है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल, यानी हर तरीके के समीकरण बनाए जा रहे हैं कि कैसे लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम लाया जाए। मनोज हमारे जुड़ गए हैं। मनोज, दिल्ली में तो हलचल तेज है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन पटना में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि सियासी घटनाक्रम हर पल बदल रहा है बिहार का। बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि अभी देखिए नीतीश कुमार के सारे अपने विधायकों को उन्होंने अपने आवास पर बुला रखा है और साथ के भी सारे विधायक अभी पटना में मौजूद है, बीजेपी के भी जितने विधायक है वो भी अपने कार्यालय में मौजूद है, सारे पार्टी के जितने है वो विधायक अपने अपने कार्यालय में अपने मीटिंग में लगे हुए हैं। देखिए, मैं आपको तो खुलासा कर दूं कि देखिए लालू जी पुराने राजनीति क्या है और जहाँ बेटे की पॉलिटिक्स की बात है और बेटे जी के पुत्र को उन्होंने डिप्टी सीएम का भी ऑफर दे रखा है, तोड़ने का पूरा कयास लगा रखे हैं लालू जी। लालू जी का कहना है कि अब तक मैं मुट्ठी खोला कहाँ हूँ, जब मैं बिहार में मुट्ठी खोल दूँ तो बेटा को सीएम बनना तय है, ये लालू जी का मतलब ये मानना है। और जहाँ आरजेडी का लोगों का कहना है लालू की कहीं ना कहीं आज जो विधायक हम पर रहे हैं उसको वोट कर ले आके शायद वो सरकार बना सकते हैं, तो अपने भी सरकार बना ले। और एक चीज मैं बता दूं कि जिस प्रकार नीतीश कुमार आए दिन जो पलटी मारने का काम कर रहे हैं, हो सकता है बीजेपी भी उनको बुला के और फिर दरवाजा बंद कर ले, इसलिए दूसरे देखिए बीजेपी सोचते आ रही है कि हमारे लिए दरवाजा बंद है, लेकिन अचानक दरवाजा खोलना ये भी हो सकता है कि दरवाजे को बुला के भी भाजपा दरवाजा बंद करने का नीति जानती है, लेकिन नीतीश कुमार से कई बार भाजपा हराश हो चुकी है बिहार में। मनोज, बिल्कुल सवाल यही है कि उनकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठेगा कि जनता ने तो चुना नीतीश कुमार सीएम रहे, हालांकि सीएम की चाबी उन्हीं के पास है, वो चाहे आरजेडी के साथ जाए या बीजेपी के साथ, लेकिन एक भरोसा जरूर डगमगाता होगा मतदाताओं का कि हमने चुना इसलिए था, लेकिन वो कभी इधर तो कभी उधर। जी बिल्कुल, अब देखा जाए कि जिस प्रकार अभी बीजेपी को बार बार जैसे बीजेपी का ही प्यार आया करता था, बीजेपी के बड़े नेताओं का प्यार आता था कि नीतीश कुमार को अब हम लोग नहीं रखेंगे अपने साथ, दरवाजा बंद कर दिए हैं, चारों ओर से दरवाजा बंद है, लेकिन अचानक दरवाजा खोलना तो देखिए ये शक का घेरा, ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है फिर से विधानसभा चुनाव करने के लिए बीजेपी उनको न्योता दे दे और फिर दरवाजा दैट बंद कर दे,
तो ये कहीं के नहीं रह जाएंगे, ना घर के ना खाट कॉली। नीतीश की भी स्थिति बिहार में आरजेडी को भी कम नहीं आका जा सकता है, इसलिए कि आरजेडी बिहार के सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ। और लालू पुराने राजनीति क्या है, कहीं ना कहीं लालू अपना मुट्ठी खोलेंगे तो हो सकता है कि बिहार में फिर से राजनीति का भूचाल आ जाए और हो सके कि तेजस्वी जो है फिर से सीएम के तौर पे यहाँ पे देखे जाएंगे। इसलिए अब तक तो डिप्टी सीएम रहे हैं सपना पूरा करने में, हो सकता है ठीक है। पीयूष, क्योंकि कल तक तो यही नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे थे कि बीजेपी को हराना है, है ना, सत्ता परिवर्तन कर रही है, सबको साथ ला रहे थे, एक नया गठबंधन भी बना लिया, लेकिन उसमें पहले ममता अलग, उन्होंने अपना रास्ता चुना, फिर पंजाब में भगवंत मान, अब नीतीश कुमार जो सबको साथ लाए थे वही अपना रास्ता अलग बना रहे। भरोसा करना अब किसी भी दल के लिए खतरनाक हो सकता है। मनोज, मैं आता हूँ पीयूष से, मेरा सवाल है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। पीयूष, देखिए इंडिया अलायंस की कई दौर में बैठक हुई और खासतौर पे इस बार, चूंकि पिछली बार ममता बनर्जी ने ये कोशिश की थी कि विपक्ष एक मंच पर आए, इस बार खुद नीतीश कुमार ने ये कोशिश की। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के समर्थकों ने और खासतौर पे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है नीतीश कुमार की पार्टी के, उन्होंने ये तक कयास लगा लिया था कि नीतीश कुमार को पीएम पद का चेहरा भी बना देगी इंडिया अलायंस। लेकिन जिस तरीके से रस्साकस्सी हुई, जिस तरीके से अंदरूनी कलह देखने को मिली, उसके बाद धीरे धीरे कई मौकों पर आपने देखा कि नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए। पीयूष, मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, मैं एक बस मैं थोड़ा सा तस्वीरों को अपने दर्शकों को बता दे। दरअसल ये गृह मंत्री अमित शाह के आवास से इस वक्त ये सीधी तस्वीर आ रही है, जहां उनके साथ चिराग पासवान बैठे दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पे मौजूद हैं। तो बिहार के सियासी घटनाक्रम को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है, बैठकों का दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है, ताकि जल्द से जल्द वहां पे जो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उस पे विराम लगा के एक तस्वीर साफ की जाए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज वन इंडिया पे, जहां दिल्ली से इस वक्त ये तस्वीर है, गृहमंत्री के आवास से सीधा ये तस्वीर, जिसमें चिराग पासवान भी एक तरफ बैठे दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ जेपी नड्डा है। तो बिहार को लेकर यहां पे अब बैठक हो रही है, आगे की रणनीति बनाई जा रही है, एक तरीके से समीक्षा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है, और चूंकि वहां का सियासी घटनाक्रम हर पल बदल रहा है। पीयूष, कंटिन्यू कीजिए आप। बिल्कुल, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि नीतीश कुमार अश्विनी चौबे के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार मंदिर में जो बीजेपी नेता है अश्विनी कुमार चौबे, उनके साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि किस तरीके से नीतीश कुमार क्या कुछ सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ सोच रही है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पूजा करने गए हैं, तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि शायद अब एनडीए और नीतीश कुमार के पार्टी के बीच सब कुछ शुभ शुभ होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का एक तरीके से आशीर्वाद मिल गया है। अब आधिकारिक रूप से ऐलान की घोषणा करने की जो इंतजार है वो करना होगा। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से तस्वीर लगभग लगभग साफ हो गई है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आ रहे हैं एनडीए के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के अलग होने से निश्चित रूप से विपक्ष पूरी तरीके से लगभग बिल्कुल एक जाएगा, विपक्ष जो है वो बिखर गया। लेकिन मनोज, लगभग खिचड़ी पक चुकी है, बस अब एक तरीके से ढक्कन उठाना पतीले से बाकी है, यानी लगभग अंदर खाने में सब कुछ तय है, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। जी बिल्कुल, अभी देखा जाए तो अभी ऐलान को लेकर, हालांकि सारे जितने बड़े नेता हैं वो पटना में मौजूद हैं और मीटिंग भी चल रही है, और बाहर अभी क्या हुआ ये अभी तक खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये तो मौका माना जा रहा है कि एनडीए के साथ वो आएंगे, इसलिए कि कहा सुशील मोदी ने कहा कि राजनीति में कहीं पर भी किसी के लिए कभी भी दरवाजा खोला जा सकता है। ये जो राजनीति जो मायने निकाला जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये लग रहा है कि एनडीए में उनको मतलब हरी झंडी दिखा दी गई है। अच्छा, दूसरा जो चिराग पासवान नाराज चल रहे थे, अमित शाह उन्हें मनाने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और वो मान भी गए करीब करीब। और रहा जितना मांझी को जहां लोप दिया गया है कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अब तक जितना मांझी द्वारा अब तक कोई बयान मांझी नहीं की गई है, जितना मांझी अब तक कुछ नहीं बोले हैं जी, मैं किसके साथ हूँ, लेकिन शुरू से एनडीए का समर्थन देते आए हैं। ठीक है, तो मनोज आप वहां पे पटना में जो हलचल है उस पर नजर बनाए रखिए, और पीयूष आप दिल्ली में, फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया।